अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? हम अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आज के ब्लॉग का आगाज़ हम कर रहे हैं, सुबह काम ने घर का काम वगैरह किया, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा, नाबर अपनी का काम किया, हरी फातिमा को स्कूल भेजा, फिर हरी फातिमा को 10 बजे हम लोग लंच लेके आए, और उसके बाद फिर हम मैं आपको अपने बाहर तभी को दिखा रही हूँ। पहले हम लोगों ने फिर सालन बनाया, आज मैंने मसूर और मूंग मसूर की दाल इकट्ठी बनाई है, तड़का लगाया है ऊपर से प्याज से, वो भी अभी तड़का लगा के उसको डाल के रखी है, और ऊपर गर्म मसाला डाला, और साथ फिर मैंने सैलड बना के रखा। सैलड बना के मैंने जो प्याज हैं उनको मैंने जल्दी सालन बना लिया, तो जो सैलड था उसको मैंने फ्रीज में रखा है। फ्रीज़र में जो प्याज होते हैं वो फिर कड़वे नहीं होते, कड़वा का टेस्ट जो होते हैं उनका वो ख़त्म हो जाता है। और फिर ये हमारी जो मुर्गियाँ हैं वो पानी पी रही है, एक हमारी कल मुर्गी बीमार हो गई थी, तो हम लोगों ने पानी में ना पैनाडोल या डिस्प्रिन कोई भी जो टैबलेट होती है वो पानी में डाल के रख दो, जो होती हैं बीमार होती हैं मुर्गियाँ तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। और ये जो हमारे झूले के ऊपर ये मैंने पुरानी सी कारपेट रखी हुई है, अम्मल फातिमा ये खेलती हैं, छोटे छोटे इनके पाँव हैं, इसके अंदर ना इनके पाँव ना चले ना जाएँ, कहीं फंस ना जाएँ, तो इसलिए ये कारपेट रखी होती है। लेकिन बच्चे फिर भी किधर मानते हैं, उठा उठा के ना कारपेट फिर भी नीचे फेंक देते हैं कि हम लोगों ने ऐसे नहीं उसके ऊपर खेलना। फिर अब मैं जा रही हूँ अम्मी लोगों के घर में है चक्कर लगाने के लिए कि वो लोग वहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं, घर का काम क्या बनाया, क्या खा रहे हैं, तो फिर वो चक्कर लगाना वो लाजमी होती है। सुबह नाश्ते के बाद, फिर दिन के टाइम, फिर शाम के टाइम तो उधर ही होते हैं, शाम के टाइम मगरिब के टाइम मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के चाय वगैरह पी के फिर जाती हूँ, और वहाँ पे इतने दूर काग लगी थी, और फिर अमर फातिमा पढ़ रही थी। अमर फातिमा ने जैसे देखा कि मामा वीडियो बना रही हैं तो अमर फातिमा को शर्म आ गई, अमर फातिमा की जो बुक आई हुई है और उस पर अमर बस जैसे न्यू न्यू आई है, तो फिर वो होता है कि हम लोगों ने बस पढ़ना है ये वो। और फिर आंटी बना रही थी आलू बैंगन सब्ज़ी, कटिंग वगैरह कर रही थी, साथ साथ उन्होंने प्याज रखे हुए थे, मैंने कहा आपको भी दिखा दें कि आप लोग क्या कर रहे हो साथ साथ। और आंटी को आलू बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है, बैंगन में दही डाल के या नींबू डाल के उसका वो जो खट्टा खट्टा टेस्ट आता है वो उनको बहुत पसंद है। मैंने भी कल बनाए थे, और आंटी बना रही है। और फिर उसके बाद मैंने कहा भाई अम्मी लोगों के घर अब जाती हूँ, वो लोग क्या कर रहे हैं। जो है अबू तो उनको मेरी तबीयत ख़राब है, तो उनका डॉक्टर ने ऑपरेट किया है, अभी तक वो नहीं आए घर पर, और थी बच्चे भाभियाँ वही थी घर में, तो उन्होंने आगे से भिंडियाँ बनाई हुई थी और सूप रखा हुआ था चूल्हे पे यखनी बनाने के लिए। और फिर उनके पास गई, 2 मिनट उधर चक्री लगाई, फिर उनके रूम में गई, फिर बस ये आस नज़दीक होने का यही फ़ायदा है। और अमर फातिमा दिन को उसको मैंने चूरी बना के दी, तो वो चूरी खा रही थी, और साथ में चाची ने मोबाइल पे गाना लगाया हुआ था, तो अमर हरीम फातिमा कहती थी मैंने तुम्हारी चूरी खानी है, तो अमर फातिमा ने अपनी चूरी साथ उठा के डांस करिए घूम फिर रही है कि मेरी मैं चूरी किसी को भी नहीं दूँगी, क्योंकि मैंने ऐसे कहा जब तक चूरी फिनिश नहीं करूँगी तब तक तुम्हें आइसक्रीम खिलाने नहीं लेके जाएंगे। तो इस पीछे ये फिर इस खाने लग पड़ी, क्योंकि बहुत कम खाती है, लगे रहो उसके पीछे लगे रहो। मैंने कहा फिर तुम्हें दवाइयाँ देनी होती हैं। फिर हम अमल फातिमा अपने टॉयज़ वाले के साथ खेलती है, और ये टॉयज़ इतना मज़ा कि हम छोटे छोटे तब से ये वाला चल रहा है, लेकिन अब इसके ना उसके ऊपर से जो है डेकोरेशन वो न्यू हो गई है, बाल उसके अंदर डालना, तो और ये भी मज़े की है बिल्डिंग बनाने वाले टॉयज़। और अमर फातिमा को मैं तंग कर रही हूँ, ये कहती है मैंने पोनी नहीं बनानी, मैंने बाल खोलने। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर सारे बाल खोलना, आगे मुंह के आगे रख के खेल, बस तंग करने में ज़रा बस आता है, फिर ये आगे से बातें करती है ज़्यादा, फिर बातें करती है। फिर हम लोग दिन का खाना वगैरह खा के इनको मैं घर लेके गई, भाई सोते हैं, सोती तो कम या नहीं सोते, बहुत मुश्किल से अमर फातिमा सोती है, तो मैं और मेरे कज़न गए हम लोग घर में, फिर नेल आर्ट कर रहे थे, तो बस आगे नेल चढ़ गया, तो उन्होंने वो लगाया अपनी फिंगर पे और अमल फातिमा को दिखाया, तो अमल फातिमा ने कहा मैंने भी इतना बड़ा नेल करना है, तो अमल के भी जो है हाथों पे नेल पेंट लगाए। और अमल को डार्क कलर पसंद है, अमल को पहले हमने लगाया लाइट कलर, तो अमल कहती है नहीं ये तो भाई बिल्कुल ना फिंगर पे लगा हुआ नज़र ही नहीं आ रहा कि मैंने कोई चीज़ लगाई है कि नहीं लगाई, ये जो हम लोगों ने रखी हुई है नेल पेंट कम यूज़ करते हैं, नेल पेंट तो इतना नहीं यूज़ करते, लेकिन जो बस रखी हुई है हम लोगों ने वही
ये जो जो कलर रखी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट। कभी कभी कोई शादी ब्याह पे लगाने हो तो, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगाती, मुझे नहीं पसंद लगाना। जब नमाज़ पढ़नी हो तो फिर वही उतारना पड़ेगा, तो मैं तो लगाती नहीं हूँ। मेरे तो नेल्स भी इतने नहीं हैं बड़े बड़े, मुझे तो बिल्कुल शौक़ भी नहीं है। मैंने अपनी शादी पे लगाए थे आर्टिफिशियल नेल लगाए थे, और उसके बाद तो मैंने कभी भी नहीं लगाई। ये देखिए मैं इनसे हंसती हूँ, मैं इनसे कहती हूँ कि अगर नखनों की बारी आई ना तो मैं देखना नखन, बिल्कुल नखनों की बारी आई तो मैं सबसे पहले जन्नत में बह जाऊँगी, मैं बिल्कुल नेल्स आई नहीं, बस अपनी शादी पे लगाए। उसके बाद हमने थोड़ी सी रखी हुई हैं बोल लेंगे नेल पेंट, और फिर उसके बाद ये हम लोग उस दिन तेलंगाना गए हैं, तुम लोग ये लेके आए हैं ग्लिटर शीट लेके आए हैं डिफरेंट कलर्स की, थोड़ी सी मिली है, ज़्यादा तो नहीं मिली, ज़्यादा मिल जाती तो और ही ज़्यादा हमारा कम हो जाता। और हमने अब ये कटिंग स्टार्ट कर दी है, डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं, और फ्लावर्स वगैरह और हाउस और ऐसी चीज़ें हमने बनाई हैं। और ABC इनकी तो थी मैग्नेट वाली, और मैंने बोला कि इनकी 1-2 नहीं है तो इनकी 1-2 भी लगा दें। तो अब ये हमने जो गाड़ी 1-2 कट है, और भी हम लोग आप लोग को साथ साथ दिखाते हैं और हम क्या करें। और ये शैतान बच्चा हमारी सारी चीज़ें ख़राब कर रहा था, इसने हमारे एक फूल भी फाड़ दिया, और ये हमारा मन लग चुका, वो भी कट चुका है। ये हम लोगों ने हमारे घर में जो वैसे दीवारों पे ना अभी तक पेंट वगैरह न्यू करवाना है, तो हमने कहा फिर दीवार भी नहीं लगाते क्योंकि फिर न्यू पेंट लगेगा, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये हम लोगों ने ना दरवाजे के पीछे सारी ये स्टिकर वगैरह और हाउस इस तरह की चीज़ें बना के लगाई हैं। ऊपर ABC जो वो दूसरी थी मैगनेट वाली वो लगाई है, और नीचे ना 1-2 नहीं था तो 1-2 हम खुद ना ग्लिटर शीट से काट के लगा रहे हैं, क्योंकि ABC लगा हुआ साथ साथ अमल फातिमा पढ़ती है ABC, तो मैंने कहा उसको 1-2-3 जो है वो भी पढ़ने में, 1-2-3 तक तो उसको आता है, और ये नेक्स्ट पढ़ने में उसको ज़रा मदद मिलेगी, सामने होगा रूम में, साथ इनके साथ खेलेगी और साथ फिर पड़ेगी। और ये हम लोग अब 4 भी जुगाड़ू हमने काटा है, क्योंकि 4 पूरा काटा तो वो ख़राब हो जाती शीट भी, और अच्छे से नहीं काटा था, तो हम लोगों ने पहले इसका बेचारे का एक हिस्सा काटा है, और दूसरा हिस्सा जो है वो हमने काट के अब ऊपर ये लगाते हैं, तो हमारा जो है 4 वो कम्प्लीट हो गया। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये हम लोगों को करनी चाहिए, और साथ बच्चों के साथ करनी चाहिए, बच्चों को तो उसे अप्रिशिएट होते हैं, और हर एक्टिविटी उनके साथ शेयर करें, ये नहीं कि आप लोग बस खुद ही करते ही जाएँ, बच्चों के साथ करें, ताकि अब वो बड़े हों तो उन्हें पता हो कि मैंने ये काम करना है, मैंने खुद करना है, खुद भी बच्चा किया करे ये काम। ये हम लोगों ने जब कटिंग वगैरह की है तो इसमें हम लोगों ने इलाफ हरीम और अमल हम तीन सब ने मिल के ना इनके साथ कटिंग की, इनको बताया कि हम लोगों ने ऐसे 1 लिखना है, ऐसे 2 लिखना है, फिर इसको ऐसे कटिंग करना है, फिर इसको ऐसे हम लोगों ने जोड़ के इसको लगाना है, तो ज़रा उसमें भी मदद मिल जाती है, बच्चों को ये चीज़ें भी आ जाती हैं। अब 8 अलग अलग हम लोग काट सकते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको इकट्ठा ही काटा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो इतने जुगाड़ लगाए हैं तो इसको हमने कहा जुगाड़ ना ही लगाएं। 9 को भी हमने जुगाड़ लगाए, जैसे 6 को जुगाड़ लगाया है ना, इस तरह हमने 9 को भी जुगाड़ लगाया है, क्योंकि ये परफेक्ट जो है ना शेप में नहीं उस तरह से काट सकते, तो फिर इस तरह अब ये परफेक्ट काटा गया है और लगा भी लिया हम लोगों ने। ये जो हम लोगों ने ट्री बनाया है उसके ऊपर ये जगह बीच में से ख़राब हो गई थी तो ये ऊपर लगा दी, जो जो जहाँ जहाँ चीज़ जितनी ग्लिटर शीट थी, जो हमने वर्ड्स बनाए, जो हमने चीज़ें बनाई वो हम लोगों ने दीवार पे लगाई, और जितनी चीज़ें बच गई थी ये जेड नहीं था हमारा, वो उम्र फातिमा ने घूम कर दिया था, हमने वो जेड बना के उसको लगा दिया है, और जितने छोटे बड़े स्टिकर थे ना जहाँ पे भी जगह आती थी हम लोगों ने वहाँ पे लगा दी है, एक तो अच्छा भी लगेगा और दूसरा इसका अमल फातिमा चीज़ हो जाएगी थोड़ी सी, अमल फातिमा इंजॉय भी करेगी। ये अब फूल मिला और ये थोड़ा सा स्टिकर में लगा हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा दो डोर जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब था, डैमेज था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने पूरा पत्ता लगा दिया है, वो डैमेज भी छप गया, और ये हमारा फ्लावर भी लग गया, फ्लावर भी लग गया, डेकोरेशन भी हो गए। ये हम लोगों ने डिफरेंट कलर डिफरेंट इस तरह के काटे, तो इनको साथ थोड़ा सा ये भी आएगा, बच्चों जब ड्राइंग वगैरह करते हैं स्कूल में तो उसमें बच्चों को मदद मिलती है और आ जाता है पहले से कि हम लोगों ने भी ये घर में एक्टिविटी की थी और हमें आज आ गई है, तो फिर इस तरह की चीज़ें फिर बच्चे जाके अपने स्कूल में लगाते हैं क्लासरूम में। ये हमारा डोर हो चुका है कंप्लीट। आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसी एक्टिविटीज़ किया करें और शेयर किया करें दूसरे लोगों के साथ, जिस तरह हम शेयर करते हैं, पहले भी हमने 2-3 एक्टिविटीज़ की हैं, अब हमने ये एक्टिविटी की है, और
और देखिए बताइएगा कि हमारी जो है आज जो हमने किया है काम आपको कैसा लगा, और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंस्टा पे भी सब्सक्राइब की इंस्टा पे भी सॉरी फॉलो कीजिएगा, और टिकटॉक पे भी फॉलो कीजिएगा। और आज की व्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखना। और ये मैंने अपनी शादी में जहेज में लेके आई थी कि मैंने अपने रूम में लगाने। अल्लाह हाफिज़।